अब ये देख सकते कितने खूबसूरत पहाड़, औसम पहाड़, और ठीक सामने ये मंदिर। अगर इसमें आप नहाते हो तो आपके ऊपर जितना भी जो है ना पाप हो सारा धुल जाएगा, ये देख सकते हो। गाइस ये देख सकते हैं विष्णु साहब ने यहाँ पे जो ना होटल खोली है, और साथ में जो ना ये अपना जड़ी बूटियाँ जो नहीं होते जो पहाड़ से लेके आते हैं उनको ये बेचते हैं। अच्छा विष्णु साहब, यहाँ पे लोग आते हैं? जाम जाम लोग बहुत आते हैं, लोग अच्छा कहाँ कहाँ से आते हैं लोग। अच्छा यहाँ पे मेला भी लगता है? नहीं जी, हाँ मेला भी लगता है। अच्छा बड़ा मेला लग, बहुत बड़ा मेला लगता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बिल्कुल अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ हमारे एक और न्यू व्लॉग में। तो अभी मैं जा रहा हूँ शारदूल धाम टेम्पल में, और ये पाकिस्तान में जो बड़े बड़े तीर्थ धाम स्थान है जैसे बलूचिस्तान में हिंगलाज माता, ये नंगर पार्क में शारदूल धाम है जो अपना दूसरे नंबर पर आता है, तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर शारदूल धाम एक बड़ा सा कुंड है जो हर टाइम पानी से फुल पड़ा होता है। अगर आप उस पानी में नहाते हो तो आपके ऊपर जितना भी पाप हो जो है ना वो सारा धुल जाएगा। शारदूल धाम में दो मरतबा मेले लगते हैं, बड़े बड़े मेले लगते हैं, और बहुत यात्री आते हैं यहाँ पे अपनी मनोकामना लेके और भगवान की जो ना मनोकामना पूरी करते हैं। तो आज इस टेम्पल को एक्सप्लोर करने वाले, तो चलिए हमारे साथ। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, अब ये देख सकते कितने खूबसूरत पहाड़, औसम पहाड़, और ठीक सामने ये मंदिर। तो इस रास्ते से जाना पड़ेगा हमको, और वहाँ पर यह टेम्पल, कितना खूबसूरत टेम्पल है, जाके देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके अपना शारदूल धाम में। गाइस जब भी यहाँ पे मेला लगता है ना तो यहाँ पे जो है ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और ये देख सकते हो मैंने आप लोगों को कहा था ना कुंड, ये देख सकते हो। अगर इसमें आप नहाते हो तो आपके ऊपर जितना भी जो है ना पाप हो सारा धुल जाएगा, ये देख सकते हो, हमेशा पानी से फुल पड़ा होता है। अब ये देख सकते हैं ये पहाड़ों के अंदर एक ये मंदिर है। अब ये देखो कितनी अच्छी अच्छी मूर्ति लगाई हुई है, जय कृष्ण भगवान, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं राम साहब। राम साहब क्या नाम भाई आपका? विष्णु। विष्णु साहब, गाइस ये देख सकते हैं विष्णु साहब ने यहाँ पे जो ना होटल खोली है, और साथ में जो ना ये अपना जड़ी बूटियाँ जो नहीं होते जो पहाड़ से लेके आते हैं उनको ये बेचते हैं। अच्छा विष्णु साहब, यहाँ पे लोग आते हैं? लोग बहुत आते हैं, लोग अच्छा कहाँ से आते हैं लोग। अच्छा यहाँ पे मेला भी लगता है? नहीं जी, हाँ मेला भी लगता है। अच्छा बड़ा मेला लग, बहुत बड़ा मेला लगता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, इतनी रश होती है, जगह भी नहीं होती है, इतना लोग आते हैं। अच्छा आप यहीं के रहने वाले हो? जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे आपकी चाय की होटल कितने टाइम हो गया आपने ये होटल? 2 साल हो गया इधर। 2 साल ही हो गए। इसके अलावा आप क्या काम करते हो? बनी का बारे का काम करते हैं। अच्छा सही बात है। और यहाँ पे किस टाइम आते हो आप? ये सबू का आते हैं 7-8 बजे आते हैं, और जाते शाम को। शाम शाम को। सही बात है। यहाँ ये देख सकते हो ये भाई साहब की होटल है, और ये आप चाय कितने की देते हैं? 50 की 100 की चाय। अच्छा 50 और 100 की चाय देते हैं, ये देख सकते हो, सुकून आ गया यहाँ आके। और ये देख सकते हो यहाँ पे जो है ना
इस बिस्तर पे बिठाते हैं लोगों को नहीं, यहाँ पे जो आते हैं वो। और ये जड़ी बूटी आपने रखी हुई है, ये देख सकते हो भाई साहब ने जड़ी बूटियाँ भी रखी हुई है। और वो देख सकते अभी वो बिजी है तो इस वजह से जो ना। अच्छा विष्णु साहब, ये जड़ी बूटी आप कहाँ से लाते हो? ये पहाड़ों से लेके आते हैं। अच्छा पहाड़ों से, यहाँ पे ये जड़ी बूटी चलती है? बहुत बहुत चलती है। अच्छा लोग लेके जाते हैं? नहीं बहुत लेके जाते हैं। सही बात है, सही बात। तो फाइनली गाइस हमारी चाय रेडी आकर आ चुकी है, ये देख सकते हो। चेक करते हैं करमजर की चाय कैसी बनती है। करमजर की चाय बहुत अच्छी बनाई है मिशनू साहब ने, क्या चाय बनाई। अब जब भी नंगर पाकर में आओ, सरद्रो धाम आओ ना, विशन के पास ज़रूर आना, जो अपना चाय का छोटा सा ढाबा खोल के बैठे हैं, तो टेस्ट करना एक बार ज़रूर। तो गाइस ये थी रमेश भैया की अपना जो ना होटल, छोटी सी होटल भी है, छोटा सा ढाबा भी बोल सकते हो। और कसम से एकदम बढ़िया इन्होंने चाय बनाई है। यहाँ पे जो गाय वगैरह होती है उसका जो ना यहाँ पे दूध निकाले, नेचुरली दूध निकाल के ये यहाँ पे चाय बनाती है, स्पेशल चाय बनाती है। 100 रुपये की जो ना चाय देते, एकदम बढ़िया चाय। आप ले जब भी यहाँ पे सरद्रो धाम पे आओ ना, इसकी चाय ज़रूर पीना, बहुत ही अच्छी टेस्ट है कसम से। क्या मज़ा आ गया चाय पी के। गाय जब से सरद्रो धाम पे आए हैं ना, तो हमको ऐसा फील हो रहा है कि हम नहीं जाएंगे घर, यहीं पर रहेंगे, मतलब ऐसा फील हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे आके जो सुकून आ गया हमके, यार रिलैक्स जगह कसम से आप लाइफ में कहीं भी नहीं मिलेगी। तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है यहाँ पे, इतना अच्छा फील होता है यहाँ पे कसम से, आप लोग क्या ही बताएं। तो गाइस ये था सरद्रो धाम टेम्पल तीर्थ स्थान जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप कि आप लोग वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।